अस्सलाम वालेकुम। सो हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज को, तो कुछ और चीज़ें परसेंटेज के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंडिंग द परसेंट ऑफ अ नंबर, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड करें 1% ऑफ 50। इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि 1% ऑफ 50 क्या होगा। आप डायरेक्टली इस तरह के प्रॉब्लम को ना, आपने ये एक वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर। 1% का मतलब है, हमें पता है, 1/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 50। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो ये इसके ऊपर 2 टाइम्स, एक जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू गेट मोस्ट प्रॉबली यू विल गेट 0.5। 1% ऑफ 50 इज गोइंग टू बी 0.5। देन वी हैव 10% ऑफ समथिंग, लेट्स से 40। 10% ऑफ 40 क्या है, फाइंड करें। तो 10% का मतलब है 10/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना है किससे, 40 से। ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो यू विल गेट 4। सो 10% ऑफ 40 इज गोइंग टू बी 4। व्हाट अबाउट 10% ऑफ 50? इट इज गोइंग टू बी 10/100 इंटू 50। ये वन टाइम टेबल जाएगा, यहाँ पर 10 मरतबा जाएगा, ये फिर 5 टाइम जाएगा। सो इट इज 5। इसका मतलब है कि 10% ऑफ 50 जो है वो 5 होगा, 10% ऑफ 40 जो है वो 4 होगा, 10% ऑफ 22 होगा, 10% ऑफ 66 होगा, फिर 10% ऑफ अगर आप 70 फाइंड करेंगे तो वो 7 होगा, और फिर अगर 10% ऑफ आप 80 फाइंड करेंगे तो वो 8 होगा। इस तरीके से आपके पास ये आंसर्स आते जाएंगे, एक जीरो आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल है कि 100% ऑफ लेट से एक्स क्या होगा। 100% ऑफ एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे 100/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो इसका मतलब है एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है 100% ऑफ एक्स इज एक्स, तो इसका मतलब है 100% ऑफ एनी नंबर विल बी दैट नंबर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 100% ऑफ 50 बताएं, तो आप डायरेक्टली बताएंगे इट इज 50। 100% ऑफ 60 बताएं, इट इज गोइंग टू बी 60 डायरेक्टली। 100% ऑफ एनी नंबर, लेट्स से दैट द नंबर इज 9000, सो इट्स गोइंग टू बी 9000। 100% ऑफ एनी नंबर इज गोइंग टू बी दैट नंबर इटसेल्फ। यहां से हमें पता चल रहा है कि कोई भी नंबर एक्स उठाए वही नंबर आ जाएगा जब उसका 100% निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास सवाल है कि 0.5% ऑफ 40 फाइंड करें। 0.5% का मतलब है 1/100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना है आपने, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर 5 ये पॉइंट हटा दें तो ये आ जाएगा 5/100 फिर से, और ये 4 है आपके पास, जो ये हो जाएगा ऊपर वाला 20/100 यानी कि 0.2। तो इसका मतलब है कि 0.5% अगर हम निकालें 40 का तो वो आएगा 0.2। इस तरीके से हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल का 50% ऑफ एक्स फाइंड करें, तो ये क्या हो जाएगा। 50% का मतलब है 50/100, ऑफ का मतलब है एक्स, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 50x/100 यानी ये 50 का टेबल नीचे 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2। x/2 का मतलब है हाफ कर दें, तो 50% किसी भी नंबर का अगर फाइंड करना है तो उस नंबर को बस आप हाफ कर दें। जस्ट अगर आपसे कोई पूछता है कि 50% ऑफ 50 बताएं, अब 50 का बस हाफ कर दें क्या आएगा 25। आपसे कोई पूछता है 50% ऑफ हमें जो है वो 200 बताएं, 200 को हाफ कर दें 100 आ जाएगा आंसर इसका। इसी हिसाब से अगर आपसे कोई पूछता है 50% ऑफ लेट से 1000, इसको बस हाफ कर दें 500 जवाब आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास फॉर एग्जाम्पल आई गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग कि हमारे पास है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हमने कुछ देर पहले देखा था कि 100% ऑफ एनी नंबर इज गोइंग टू बी दैट नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि x% ऑफ 100 क्या होगा,
ये हो जाएगा एक्स ओवर हंड्रेड, हाफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, ये कैंसिल हो जाएगा। आहा, वी गेट एक्स, इसका मतलब है कि एक्स परसेंट ऑफ हंड्रेड इज गोइंग टू बी एक्स। तो आप हंड्रेड का जितना भी परसेंट निकालेंगे वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है कि आप जो है वो 3% ऑफ 100 बताएं, तो क्योंकि ये 100 का परसेंट है तो ये डायरेक्टली 3 आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है 5% ऑफ 100 बताएं, क्योंकि ये 100 का परसेंट है तो ये 5 ही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से ये भी सीख लिया कि एक्स परसेंट ऑफ 100 इज एक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि 200% बताएं, लेट से ऑफ 100, तो वो ये नंबर आ जाएगा 200 से। आपसे कोई पूछता है कि आप 30% ऑफ 100 बताएं, तो वो 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यू कैन बी आस्क क्वेश्चन। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है जहां पर हमारे पास है व्हाट परसेंट ऑफ अ नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ वन नंबर इज एन अदर। इसका मतलब है कि दो नंबर्स में से हम ये पूछेंगे कि एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12, व्हाट परसेंट ऑफ 12, आपके पास दो नंबर थे 6 और 12, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 6 है ये 12 का कितना परसेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब हमें दो नंबर गिवन है और एक को दूसरे का परसेंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे सबसे पहले 6 का बड़े नंबर के साथ 12 के साथ। या आप ऐसे समझिए, जिस नंबर का परसेंट देखना है दूसरे नंबर से, वो जो नंबर जो परसेंट चेक करना है, जितना नंबर यहाँ पर 6% चेक करना है, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12, तो 6 जो है वो कितना परसेंट है 12 का। तो इस केस में आपके पास 6 जो है वो ऊपर रहेगा और जो टोटल जिसका परसेंट आपने फाइंड करना है वो नीचे रहेगा। ये आ गया, अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जो है वो कॉमन फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करें। अब आपको पता है कि ये चीज़ आपस में होती है सिंप्लीफाई, बाकी ये वाली चीज़ परसेंट में चली जाती है। सो ये 600 ओवर 12 हो जाएगा परसेंट, व्हिच इज रफली आई थिंक इट इज 50%। ठीक, यस इट इज 50%। इस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि 50 इज वाट परसेंट ऑफ 50, 50 इज वाट परसेंट ऑफ 50, ये 50 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि 100% है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, 50 को 50 से करेंगे डिवाइड और ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे के साथ परसेंट, नीचे वाला परसेंट में चला जाएगा। ये तो इसके साथ हो गया कैंसिल, तो ये हो गया 100%। सो 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 का जवाब जो होगा कि ये 50 जो है ये 50 का 100% है। इनफैक्ट कोई भी नंबर है आपके पास 30, फॉर एग्जाम्पल 30 जो है वो 30 इज 100% ऑफ 30। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, इनफैक्ट एक्स इज 100% ऑफ एक्स, एक्स जो है वो अपने आप का 100% है, कोई भी नंबर है वो अपने आप का 100% होता है। ठीक, इस तरीके से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट समथिंग, लेट्स से वी हैव 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो 1 को 100 से करेंगे डिवाइड और यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला परसेंटेज में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1%। 1 इज 1% ऑफ 100। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो क्या होगा 3 इंटू 100 डिवाइड बाय 100%, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये भी 3% आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट समथिंग, अब हमने नंबर फाइंड करना है होल नंबर। जब हमारे पास परसेंट गिवन होगा, परसेंट भी और वो कितना परसेंट है वो गिवन होगा। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है कि 100% ऑफ
100 is 100% of what number? देखिए ये पहले हमने किया था वहां पर, यहां आ रहा था वाट परसेंट, अब यहां पर आ रहा है वाट नंबर। कौन से नंबर का 100% जो है वो 3 है? ऐसा नंबर बताएं जिसका 100% 3 हो। तो आप क्या करेंगे, हम इसको वर्ड्स को कन्वर्ट करते हैं। 100% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई वाट नंबर, कौन सा नंबर है उसको हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ए कह देते हैं इज 3। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ए क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है 100% ऑफ 3 इज 3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फॉर एग्जांपल अब है 10% ऑफ व्हाट नंबर, कौन सा नंबर, पहले वाली कैटेगरी में यहां पर आ रहा था व्हाट परसेंट, यहां पर आ रहा है व्हाट नंबर इज 3। 10% ऑफ व्हाट नंबर इज 3, इसको कन्वर्ट करें तो 10% 10/100 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई व्हाट नंबर को हम कोई वेरिएबल ए कह देते हैं, इज का मतलब है इक्वल 3। अब ये 1 टाइम टेबल जाएगा, यहाँ पर 10 टाइम टेबल जाएगा, तो 1/10 a इज इक्वल टू 3। ये 10 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 30 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 30। तो इसका मतलब है कि 10% ऑफ व्हाट नंबर, कौन सा नंबर है, वो नंबर है 30 इज 3। आपके पास ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि 10% ऑफ डैश इज 3, तो आपके पास ऑप्शन होंगे लेट से 20, 30, 40 एंड 50। आप निकाल लेंगे 10% ऑफ मल्टीप्लाई कौन सा कोई नंबर होगा x जो कि है 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जगह 30 आएगा, यानी कि ये टिक करेंगे आप लोग। इस तरीके से हमारे पास है अब एक और सवाल है जिसमें कह रहा है कि 1% ऑफ व्हाट नंबर इज 4। तो आप क्या करेंगे, 1% का मतलब है 1/100 ऑफ व्हाट नंबर को कोई वेरिएबल ए असाइन करते हैं इज 4। तो ए जो है वो आप ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 है। तो 1% ऑफ 400 जो होगा वो आपका 4 होगा। आप 1% ऑफ 400 निकाल भी सकते हैं, 1% ऑफ 400, 1% ऑफ 400, ये 1% ऑफ 400 इज 4 बेसिकली। सो इस तरीके से आपके पास और भी सवाल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और क्वेश्चन है, 20% ऑफ व्हाट नंबर इज 100। 20% ऑफ कौन सा नंबर है उसको ए कहते हैं इज 100। ये 20 का टेबल यहां पर 5 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा a/5 इक्वल टू 100। तो ए आपका ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 500 आ जाएगा। इसका मतलब है 20% आप जो है 500 आप निकालें तो वो आपके पास 100 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास है 120% ऑफ व्हाट नंबर इज 74 फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, 120% ऑफ नंबर इज 74, ये जीरो इसके साथ, ए जो है हमारा आ जाएगा ये 10 मल्टीप्लाई करेगा और 12 डिवाइड करेगा। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि इट इज समथिंग 61.67%। तो ये तो था यहाँ तक आपके पास कि आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग आपसे पूछा जा रहा है कि अगर x परसेंट ऑफ y जो है वो z है, x परसेंट ऑफ y जो है वो z है, तो z को y और x के टर्म्स में बताएं। तो ये हो जाएगा x/100 मल्टीप्लाई बाय y z, यानी z इज xy/100। अगर आपसे कहा जाए x परसेंट ऑफ y z है इज z, तो z को x और y के टर्म्स में लिखें तो इस तरह से करेंगे आप, x परसेंट ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई बाय z, फिर आप z जो है वो x और y के टर्म्स में फाइंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं।